नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आओ कुछ करें में। आज मैं आपको बताऊंगी वेस्ट चीजों का मैंने कैसे इस्तेमाल किया है, मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए वेस्ट चीजों का मैंने कैसे यूज किया है। ये सॉस की बॉटल, को मैंने इस तरीके से, मेरे पास व्हाइट और रेड पेंट जो दिवाली में बच गए थे, इस तरीके से यूज किया है। बेस मैंने व्हाइट किया है और ब्लैक से इस तरीके से पेंट किया है। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, एज अ शोपीस आप कॉर्नर में या शोपीस में रख सकते हैं। ये दूसरी सॉस की बॉटल देखिए इस तरीके से बनाया है। ऐसे ही मेरे पास ये मिठाई के गुलाब जामुन के डब्बे थे, इनको मैंने साफ करके इस तरीके से यूज किया है। बेस में रेड है और इस तरीके से डिजाइन बनाया है। ढक्कन में देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से अलग अलग डिजाइन मैंने इसमें बनाए हैं। आप इनको पेंसिल होल्डर या फ्लावर पॉट के तौर पे यूज कर सकते हैं या कोई भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। हर डब्बे में मैंने अलग अलग डिजाइन बनाया है। इसी तरीके से ये देखिए, और बनाने के बाद आप घर पे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी रहती है साड़ी में आई हुई, तो आप इससे कवर कर दे तो धूल से भी बचा रहेगा। इसी तरीके से मेरे पास ये चॉकलेट के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे काफी बचे हुए थे, तो मैंने उसको इस तरीके से पेंट कर लिया है और ढक्कन में इस तरीके का पेंट है। आप इसे ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं या कोई भी सामान, मंदिर का सामान भी रख सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास यूज किए हुए दिए थे जो काले हो चुके थे, तो मैंने दियो को इस तरीके से पेंट किया है। इसी तरीके से एक बॉक्स लिए। ये प्लाईबोर्ड का टुकड़ा बचा था, तो उसमें मैंने इस तरीके से पेंटिंग की है। और ये है पेंट की बाल्टी का ढक्कन, इसमें मैंने इस तरीके से पेंट किया है। और ये पुरानी विंड चाइम की रॉड थी, पुराना विंड चाइम था ये जो टूट चुका था, तो मैंने इसको इसके इसमें लगा के ऐसे एज अ वॉल, ये वॉल हैंगिंग बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। देखिए ये मैंने कॉर्नर में इस तरीके से इन चीजों को डेकोरेट किया हुआ है। देखिए तो कैसा लगा आपको मेरा ये वेस्ट चीजों का यूज? क्या आप भी इस तरीके से अपने घर में वेस्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं आप मेरे से शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।